वेल हेलो दोस्तों, लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों के लिए वो दिन आ गया जबकि कल्की का ट्रेलर रिलीज हो गया। दोस्तों ट्रेलर डिजिटल रिलीज से पहले बड़े पर्दे पर आ गया है। ट्रेलर नाग अश्विन द्वारा रचित डाई पोयन दुनिया के अंदर जागने का मौका देता है। दोस्तों ट्रेलर रिलीज करने से पहले फिल्म मेकर्स की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई थी, खासकर सोशल मीडिया यूजर्स के लिए। कल्की 2898 ईस्वी के मेकर्स इस फिल्म को लेकर काफी सावधानी बरत रहे हैं। वैजयंती मूवीज ने सितंबर 2023 में कॉपीराइट को लेकर एक चेतावनी संदेश जारी किया है, जिसे एक बार फिर वैजयंती मूवीज ने अपने एक्स हैंडल पर पिन किया है, जिसके मुताबिक फिल्म के किसी भी हिस्से को चाहे वो सीन हो या फुटेज हो या इमेज हो या शेयर करना गैर कानूनी और दंडनीय है और साइबर पुलिस की मदद से आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग है और सबसे बड़ी चीज जो इस ट्रेलर में हमें कनेक्ट करती है वो है दीपिका पादुकोण, क्योंकि वो मूवी में भी प्रेग्नेंट है और रियल लाइफ में भी, जो कि सबसे बड़ा कनेक्शन है यहाँ पर। और अगले नंबर पर जो मूवी में सबसे तगड़ी चीज है वो है अमिताभ बच्चन, मतलब कि यार वो किस उम्र में आकर फाइट एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों में उन्हें कुछ ऐसे रोल सजेस्ट किए गए हैं जिनके चलते उन्हें इतना एक्शन करने की जरूरत नहीं है। वेल दीपिका जिस विशेष बच्चे को जन्म देने वाली है उसकी अमिताभ बच्चन कर रहे हैं और इसके लिए वो काफी दुश्मनों से लड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही एक दो सीन में हमें वो प्रभास के अगेंस्ट भी दिखाई दिए, जो ही तो दिमाग को उलझा के रखने का काम करती हैं। दोस्तों VFX को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि काफी मेहनत की है उस पे और वो एफर्ट वो काम और वो पैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है मेरा भाई ट्रेलर में। और मैं ये भी कह सकता हूं कि इसका सारा का सारा पैसा या ज्यादातर बजट यहां के एक्टर्स की फीस में नहीं बल्कि काफी काम प्रोडक्शन में भी किया गया है। दोस्तों मैं ट्रेलर देखने के बाद जब कमेंट बॉक्स पढ़ रहा था तो उसमें यूजर्स ने कमेंट किया कि मूवी 100 करोड़ से ओपनिंग करेगी, जिसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ये शायद थोड़ा ज्यादा हो गया है, क्योंकि मेरा भाई ये जवान से ऊपर का नंबर है, क्योंकि जवान की ओपनिंग डे कलेक्शन शायद 89 करोड़ रुपए था, जिसके बाद अब कहा जा रहा है इसका 100 करोड़ हो सकता है। सो क्या ट्रेलर देखने के बाद आपको लगता है कि मूवी 100 करोड़ से ओपनिंग कर सकती है? इस सवाल का जवाब आप एक बार कमेंट में जरूर दें। दोस्तों कल की 2898 ट्रेलर देखने के लिए दर्शक कितने उत्साहित है ये बताने की जरूरत नहीं है। मेकर्स ने भी दर्शकों की उत्सुकता को सातवें आसमान पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे टीजर हो, पोस्टर हो, किरदार हो या फर्स्ट लुक हो या फिर एनिमेटेड सीरीज दिखाना, मेकर्स ने फिल्म को लेकर हाइप को बनाए रखने की पूरी कोशिश की है। मेरा भाई 600 करोड़ रुपए के बजट में बनी कल की 2898 को अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म कहा जा रहा है। नाग अश्विन द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म को वैजयंती मूवीज द्वारा समर्थित किया गया है। कल की 2898 में प्रभास मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, उनके साथ दीपिका पादुकोण के साथ और भी कई बेहतरीन कलाकार मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिल्म में कमल हासन, अमिताभ बच्चन और दिशा पाटनी जैसे अन्य बड़े कलाकार भी हैं। फिल्म 27 जून 2024 को रिलीज होगी। तो मेरा भाई ट्रेलर कितना जबरदस्त था कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मिर्जापुर सीजन 3 की हिडन डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप इस वाली वीडियो को जरूर वॉच कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। आप एक बार जरूर वॉच करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।